हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ उमेश पंचाल फ्रॉम MEF एंटरप्राइज बड़ौदा। वी आर लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ होटल किचन इक्विपमेंट एज वेल एज कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ वन डेक वन ट्रे इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में। ये ओवन मोस्टली कमर्शियली यूज़ होता है फॉर पिज़्ज़ा आउटलेट में, फास्ट फूड काउंटर्स में और छोटे छोटे कैफ़ेज़ में भी ये यूज़ होता है। इस ओवन की ख़ास बात ये है कि इसमें आप सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं, सारी बेकिंग आइटम बना सकते हैं, जैसे कि केक हो गया, पफ्स हो गए, रस्क हो गए, तो इस तरह की आप सभी आइटमें इसमें बना सकते हैं। और ये इसकी फ्रंट बॉडी SS की बनी होती है, बाकी सारी बॉडी अदर मटेरियल जैसे कि MS कोटेड में बनी हुई होती है। और इस ओवन का मैं आपको कंप्लीट डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ किस तरह से ये यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जब ये ओवन आता है तो ये ओवन वुडन पैक में किया जाता है, तो जो हैंडल होता है वो अंदर की साइड में ये लूज़ दिया जाता है, जिसको आपको फिट करना होता है इस जगह पे। और इसके बाद आप जब ओपन करेंगे तो इसके अंदर इसमें एक ट्रे दी जाती है, जो बेकिंग ट्रे होती है, जिसमें आप सब कुछ बेक कर सकते हो। इस तरह की ये ट्रे होती है और इसमें एक यूज़र मैनुअल भी दिया जाता है, जिसको आप यूज़ करके इसमें इसका इलेक्ट्रिक डायग्राम वगैरह सब कुछ दिया जाता है। और अगर कि इसमें किस तरह से आपको यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब कुछ इस यूज़र मैनुअल में दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये पूरी MS की प्लेट है, बराबर, जिस पे आपको ये ट्रे रखकर इसमें बेक करना है। इसमें ऊपर की तरफ इस तरह से हीटर आते हैं और नीचे की तरफ भी इस तरह से ही हीटर आते हैं। और ये जो चार हीटर है, ये आप पूरा ओवन को कम्प्लीटली इवन हीटिंग करता है। इस वजह से आपका प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन और अच्छा बनता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो एक लाइट की भी सुविधा दी गई हुई है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये ओवन इस तरह से क्लोज हो तो आप लाइट चालू करके यहाँ से अंदर क्या आइटम बेक हो रहा है और किस तरह से बेक हो रहा है, वो आप इजीली देख सकते हैं। अब आते हैं इसके पैनल की ओर। इसमें ऊपर थर्मोस्टेट दिया गया है, एक नीचे थर्मोस्टेट दिया हो गया है। ऊपर का थर्मोस्टेट ऊपर की कॉइल के लिए यूज़ होता है, नीचे का थर्मोस्टेट नीचे की कॉइल के लिए यूज़ होता है। इसका टेम्परेचर रेंज होता है 50 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस। नीचे भी सेम होता है, 50 to 300 डिग्री सेल्सियस। दोनों के भी इंडिकेटर दिए गए हैं, ऑन जब ये ऑफ होगा तो ये, जब ऊपर का टेम्परेचर आ जाएगा तो ये ऑफ हो जाता है, नीचे का टेम्परेचर आ जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। इसमें दो स्विच भी दी गई है, लाइट के लिए एक लाइट के लिए स्विच है और एक टाइमर के लिए स्विच है। ये ऑन ऑफ स्विच है। ये डिजिटल टाइमर है जिसमें आप 99 मिनट्स का टाइम रख सकते हैं। जैसे ही आपने सपोज 6 मिनट्स का टाइम रख दिया तो 6 मिनट में पूरा का पूरा ओवन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर टाइम पे और ओवर कुक ना हो जाए, इसकी वजह से ये सिस्टम इसमें दी गई हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी चाहिए, इसके बारे में प्राइसिंग, इसकी और ड्यूरेबिलिटी क्या क्या होती है, तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, 9510570358। और मेरी जो फैक्ट्री है वो वडोदरा गुजरात मकरपुरा में है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।